तो अब बात करेंगे हरियाली तीज की, जिसको लेकर पानीपत में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। हजारों की संख्या में महिलाएं जो थी यहां पहुंची, और ये तस्वीरें महोत्सव के कार्यक्रम के दौरान की है। मनोहर सरकार की ओर से महिलाओं को कोथली भी दी गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जब संबोधित किया जनता को, महिलाओं को, तो उन्होंने कई बातें कही। ये दिन भगवान शिव पार्वती को समर्पित है, सीएम ने कहा। हम लोग हरियाली के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं, ये बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते नजर आए। और देखिए कार्यक्रम की ये जो झलक आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भव्य ये कार्यक्रम, ये महोत्सव जिसका आयोजन हुआ हरियाली तीज पर। सभी महिलाओं को हरियाणा की आमंत्रित किया गया, और देखिए अलग अलग प्रस्तुतियां हुई जिसमें नृत्य, गाने और तमाम तरह के जो अलग अलग ये कलाकार थे वो मंच पर अपनी प्रस्तुति देते नजर आए। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि हम लोग हरियाली के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं, पेड़ लगाने से हरियाली आती है, हम सभी को साल में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। ये मैसेज आज मंच से सीएम ने दिया। मातृशक्ति से उन्होंने अपील की कि बेटियों के साथ साथ बेटों को भी संभालना बेहद जरूरी है। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम के दौरान, आइए आपको सुनाते हैं। यह प्रदेश एक समय था बेटी मारने वाला प्रदेश माना जाता था, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी ने इस प्रदेश में अलख जगाई, जो 871 उस समय हमारा जेंडर रेशियो हो गया था महिला और पुरुष का, वो आज बढ़कर के 927 हो गया। भाई बहनों, 927 हो गया, बहुत बड़ा अंतर एक उसमें आया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने बहुत से कार्य किए हैं, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो। हमने पंचायतों में 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व तय कर दिया है कि हमारे प्रतिनिधि पंचायती राज में जितने पुरुष होंगे उतनी महिलाएं भी होंगी, और ये हरियाणा पहला प्रदेश है इस प्रकार की गारंटी देने वाला प्रदेश। सभी जिला केंद्रों पर मैंने एक निर्देश दिया है अपने डिपार्टमेंट्स को कि वहां 50 से लेके 100 कोटा कैबिन का एक स्ट्रक्चर बनवाएं, और जो बहने हमारी ये जो अपना उत्पाद बनाती हैं, अपना उत्पाद जो बना हुआ है उसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये सुविधा मिलेगी, बाजार से खरीद के ला के उसको बेचने की सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसे सेल्फ हेल्प रजिस्टर्ड ग्रुप वो वहां प्रतिदिन के हिसाब से उन कोटा केबिन्स को बुक करा सकती हैं और जाकर के अपना सामान बिक्री के लिए दिन भर रख सकती हैं। ये होगा एक साझा बाजार, साझा बाजार की यह कल्पना की गई है। आवश्यकता पड़ने पर, डिमांड ज्यादा होने पर इसकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। पुलिस कर्मी हमारे यहां कैसे ज्यादा बढ़े, लगातार 8 साल से प्रयत्न कर रहे हैं। जब हमने सत्ता संभाली थी महिलाओं की संख्या पुलिस बल में 6% थी, और आज बढ़कर के वो 10% पार कर गई है। हमारा लक्ष्य है 15% तक महिलाओं की संख्या हम अपने पुलिस बल के अंदर ये ले जाएंगे, ताकि महिलाओं की रक्षा सुरक्षा ये अच्छे प्रकार से हो सके। तीज त्योहार के समय हम लोग हरियाली के लिए स्वयं भी प्रयत्न करते हैं, जगह जगह मैदान में, जगह जगह हमारे खेतों में, हमारे स्कूलों में, हमारे सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगाने का बहुत बड़ा हम काम करते हैं। और पेड़ लगाने से भी, जैसा ये एक प्रदूषण की बात कही गई है उसको समाप्त करना है, जैसा ये ग्लोबल वार्मिंग की बात कही गई है उसको ठीक करना है, तो ये पेड़ लगाना, ऑक्सीजन बनाना एक बहुत बड़ा काम इन दिनों में हम करते हैं। और मैं मुझे लगता है कि हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हर व्यक्ति साल में एक बार किसी अच्छे प्रसंग पर, चाहे हमारा कोई जन्मदिन का अवसर आ जाए, चाहे हमारी और किसी प्रकार की कोई वर्षगांठ आ जाए, हमको जीवन में वर्ष भर में एक पेड़ लगाना चाहिए। सारे जीवन में 10, 20, 30 अगर हमने पेड़ बढ़ा दिए तो बहुत बड़ा प्रकृति के साथ एक प्रकार का हम सम्मान करेंगे और मानवता के साथ न्याय होगा। कई प्रकार के दोष हमारे पुरुषों में, बेटों में आ गए हैं। अभी मैं कल पढ़ रहा था, पंजाब में एक मुहिम चलाई गई है, बेटा बचाओ अभियान। उन्होंने बेटा बचाओ अभियान क्यों चलाया? क्योंकि हमारे परिवारों के बेटे वो नशे की तरफ, ड्रग्स तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है।
आज पंजाब में है, कल वो हरियाणा में भी हो सकता है, उसकी जिम्मेवारी भी ठीक रखने की हमारी इस मातृशक्ति की है कि अपने बेटे बेटियों को सबको समृद्ध करना है तो बेटियों को तरफ भी ध्यान करो। इस नशा के विरोध में जो आवाज उठा सकते हो आप आवाज उठाओ, सरकार आपके साथ खड़ी है, चिंता मत करना।